आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। क्लास 11-8। कल अपन ने राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया था, और राजस्थान के अपवाह तंत्र को जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ तीन भागों में इसको विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, नंबर दूसरा अरब सागर का अपवाह तंत्र, और नंबर तीन आंतरिक अपवाह तंत्र। इसमें आपको प्रतिशत के रूप में भी बताया था, जिसमें अगर यहाँ बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ 23.5%, यहाँ अरब सागर की बात करें जिसमें 16.2% के लगभग, और आंतरिक अपवाह तंत्र की बात करें तो जिसमें 60.2% के आसपास इसमें क्या है इनका प्रतिशत बताया गया था, जिसमें अपन ने बात की थी कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इस बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में ये बात की थी कि इसके अंतर्गत राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपने जल को किस में डालती हैं, बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। उन नदियों में आपको बताया था नंबर एक चंबल, नंबर दो बनास, नंबर तीन पार्वती, नंबर चार काली सिंधी, बाणगंगा आदि ऐसी नदियां हैं जो अपने जल को क्या है इसमें बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। इसी कारण से आपको ये भी बात बताई थी कि राजस्थान की दृष्टि से जो बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अपन ने इसमें चंबल और बनास नदी के बारे में क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं और उसमें अगली जो नदी है जिसमें बात करते हैं बाणगंगा नदी के बारे में। नदी का नाम क्या बताया, बाणगंगा। बाणगंगा नदी, देखिए ये जो बाणगंगा नदी है, इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से, क्या नाम बताया, अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चंबल की सहायक नदियों के रूप में मानी जाती है, और उसी में आपको बताया गया है कि इसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और एक और भी बताया है, अगर देखें तो ये वो नदी है जो चंबल के बाद में, किसके बाद में, चंबल के बाद में अपना जो जल है वो सीधा कहाँ डालती है, यमुना नदी में डालती है। और यमुना नदी में डालने के कारण ये भी एक मुख्य नदी के रूप में है। उद्गम स्थान, यहाँ बात करते हैं उद्गम स्थान यानी ये नदी कहाँ से निकलती है। देखिए ये जो नदी है बैराट की पहाड़ियाँ जो जयपुर में क्या है, बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा नदी। इसी बाणगंगा नदी का दूसरा नाम क्या बताया था, अर्जुन की गंगा भी कहा गया। इस अर्जुन की के साथ साथ में इसको ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से, ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक और भी नाम है इसको रुंडित नदी भी कहते हैं, यानी बाणगंगा नदी, बाणगंगा के साथ में इसको अर्जुन की गंगा कहा, अर्जुन की गंगा के साथ साथ में इसको ताला नदी के नाम से भी जाना गया, या इसको रुंडित नदी भी कहते हैं। और कहाँ, यानी इसका जो उद्गम स्थान है वो उद्गम स्थान जयपुर और जयपुर की जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं उन बैराट की पहाड़ियों से क्या करती है ये नदी निकलती है। और
जैसे ये बैराट की पहाड़ियों से निकल कर के और फिर कहा कि ये आगे जा कर के और किसमें यमुना नदी में गिर जाती है। एक महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो इस बैराट की जो पहाड़ियां हैं और उस बैराट की पहाड़ियां जो कि जयपुर के निकट हैं और उसी इसी बैराट की पहाड़ियों में अगर देखें तो जो प्राचीन काल में और वहां पर एक जमुआरामगढ़ का बांध बनाया गया, जमुआरामगढ़ जमुआ रामगढ़ बांध बनाया गया और ये प्राचीन समय में जो यहाँ पर जो जयपुर को जो पेयजल की जो उपलब्धता होती थी वो इसी जमुआ रामगढ़ जो बांध है उससे उपलब्ध होती थी। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर देखें तो जयपुर को जो पेयजल कि जो सुविधा है वो किससे प्राप्त हो रही है, वो बीसलपुर बांध से है। कौन से बांध से? बीसलपुर। वर्तमान में, वर्तमान और वर्तमान में जो जयपुर है और उस जयपुर को जो पैदल की जो सुविधा हो रही है वो सुविधा बीसलपुर, बीसलपुर बांध से। और ये बीसलपुर बांध कहाँ है? टोंक जिले में है। कौन से जिले में है? टोंक जिले में। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो बीसलपुर बांध है वो राजस्थान की दृष्टि से यानी पेयजल का सबसे बड़े बांध के रूप में माना जाता है। अब इसी के साथ साथ में अगर अपन यहाँ देखें तो इस जो बीसलपुर बांध और बीसलपुर बांध के से कुछ जो जल है वहाँ इसी के द्वारा दौसा जिले को भी क्या है प्रवाहित किया जाता है और दौसा के बाद में यहाँ जो भरतपुर और भरतपुर में एक वैर नामक स्थान है, भरतपुर, भरतपुर और भरतपुर में वैर, वैर नामक स्थान है और उस वैर नामक स्थान से क्या है भरतपुर जिले में ये क्या करती है ये नदी प्रवेश करती है। और जैसे वैर नामक स्थान से ये नदी भरतपुर में प्रवेश करती है तो उसमें बताया गया कि उसके निकट एक ऐजान बांध बनाया गया है। बांध का नाम क्या बताया? भरतपुर। देखो आगे ऊपर लिख रहा हूं मैं भरतपुर और भरतपुर के निकट क्या है ऐजान बांध, ऐजान बांध। और उस ऐजान बांध यहाँ भी देखेंगे क्योंकि जो भरतपुर है इस भरतपुर में क्या है घना पक्षी अभ्यारण है। क्या है? कौन सा अभ्यारण है? घना पक्षी अभ्यारण है। और इस घना पक्षी अभ्यारण को जो राष्ट्र के रूप में यानी राष्ट्रीय अभ्यारण के रूप में दर्जा दे दिया गया था। कब दर्जा दे दिया गया था? सन 1981 में, सन 1981 में जो घना पक्षी अभ्यारण है इसको राष्ट्रीय अभ्यारण के रूप में दर्जा दे दिया गया था। तो इस कारण से अपन ये भी बात बता कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्तमान समय में 3 राष्ट्रीय अभ्यारण हैं। उनमें से कौन कौन सा है? नंबर 1 है रणथंभौर, रणथंभौर अभ्यारण। नंबर 2 है घना पक्षी अभ्यारण और नंबर 3 मरु उद्यान जो कहाँ पर है जैसलमेर बाड़मेर में। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? ऐजान बांध। और इस ऐजान बांध से किसको जल प्राप्त होता है? भरतपुर। और भरतपुर के निकट वो कौन सा बांध जो घना पक्षी अभ्यारण है वो इसी ऐजान बांध से उसको जल प्राप्त होता है। फिर ये जो नदी है ना कहाँ से जो भरतपुर और भरतपुर का जो घना पक्षी अभ्यारण है उसको जलापूर्ति यानी जल उपलब्ध कराती हैं। और अंत में ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो आगरा के निकट फतेहाबाद और उस फतेहाबाद में किस स्थान पर यानी जो फतेहाबाद है और उस फतेहाबाद के निकट जो यमुना नदी है उस यमुना नदी में कौन विलीन हो जाती है? बाणगंगा नदी विलीन हो जाती है। ये कौन सी थी?
जो बाणगंगा के रूप में थी, आपको नाम बताया था इसको अर्जुन की गंगा, इसी को ताला नदी के रूप में भी कहते हैं। उद्गम स्थान जयपुर की जो बैराट की पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम स्थान माना गया है। और इसी में जो प्राचीन समय में जहाँ जयपुर में जो जमवा रामगढ़ का जो बांध है, उस जमवा रामगढ़ से क्या होता था, इसके निकट बसा हुआ है और जो प्राचीन समय में इससे जल उपलब्ध हो पाता था। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो जयपुर को जो बिसलपुर जो बांध है उससे जल उपलब्ध हो रहा है। ये बिसलपुर बांध वर्तमान में कहाँ है, टोंक जिले में है। इसके बाद में यहाँ जो भरतपुर और भरतपुर में ये नदी वैर नामक स्थान है, उस वैर नामक स्थान के निकट ऐजान बांध बना हुआ है। और उस ऐजान बांध से क्या है, जो घना पक्षी अभ्यारण है, उस घना पक्षी अभ्यारण को जल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में ये नदी कहाँ है, भरतपुर से फिर ये उत्तर प्रदेश होती हुई, और उत्तर प्रदेश का जो फतेहाबाद नामक स्थान है और उस फतेहाबाद के निकट किस में, यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी की बात करें तो जिसमें आती है काली सिंधी नदी। अगली नदी का नाम क्या है, काली सिंधी। काली सिंध या इसको काली सिंधी भी कहा है, काली सिंध। ये भी अपने जल को कहाँ, इस बंगाल की खाड़ी में ही डालती है। उसमें देखिए जो काली सिंधी नदी है वो कहाँ से निकलती है और उसके साथ में ये राजस्थान के लिए कितनी उपयोगी मानी गई है। तो इस नदी की बात करें तो ये चंबल की जो सहायक नदी है, काली सिंधी किसकी सहायक नदी है, चंबल, चंबल की सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान कौन सी नदी का, काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, देवास, देवास, देवास जिले। यानी अभी देखिए यानी इसका जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का देवास जिला। और देवास जिले की अगर बात करें तो एक बागली गांव है, गांव का नाम क्या, गांव बागली, बागली गांव से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंधी नदी निकलती है। ये उस गांव से निकल करके और राजस्थान में कहां पर, जो झालावाड़ जिला है, अभी नक्शे के माध्यम से बताएंगे कि राजस्थान में प्रवेश झालावाड़, राजस्थान में कौन सा, जो झालावाड़ जिला है और उस झालावाड़ जिले से, जिले के निकट, और उसमें बताया गया कि जो गागरोन का जो किला है और वो गागरोन का किला दो नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें कौन कौन सी, काली सिंधी और आहू जो नदियां हैं उन नदियों के ऊपर स्थित है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये झालावाड़ जिले में क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। और झालावाड़ जिले में प्रवेश करके और इसी के निकट जो गागरोन का जो किला है वो गागरोन का किला स्थित है, जो राजस्थान का क्या है, एकमात्र जल दुर्ग के रूप में माना जाता है। उसके बाद में ये झालावाड़ से कोटा पर लिख रहा हूं, ध्यान दे लीजिए, झालावाड़ से कहां, कोटा। और कोटा में आप भी अगर देखें नेनोरा,
नेनोरा नामक स्थान है, और नेनोरा नामक स्थान पर ये क्या है, किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो आपको प्रारंभ में भी बताया था कि जो काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। और ये एक और भी बात बताई थी कि नेनोरा नामक स्थान पर जो एक जलप्रपात के रूप में भी बना हुआ है। आगे देखिए, अगले जो नदी की बात करें तो उसमें कौन सी नदी आती है, पार्वती नदी। नंबर चार पार्वती। पार्वती नदी जो राजस्थान की बात करें तो ये दक्षिण के अंतर्गत प्रवाहित होती है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो नदियां जो कोटा संभाग के अंतर्गत आती हैं। तो जो पार्वती नदी जो मध्य प्रदेश का देवास जिले के सेहोर क्षेत्र से निकलकर और कहां पर जो बारा जिला है, और बारा जिले का कौन सा, करियाहाट गांव है। हमने जो इसमें अगली नदी का नाम बताया था आपको, पार्वती नदी। पार्वती नदी उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, देवास। देवास जिला, और देवास जिले के सेहोर क्षेत्र से यानी मध्य प्रदेश का देवास जिला, और देवास जिले के सेहोर क्षेत्र है, उस सेहोर क्षेत्र से क्या है ये नदी निकलती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश है, जो बारा जिला और बारा जिले का कौन सा स्थान, करियाहाट। गांव का नाम बताया, करियाहाट गांव, और उस करियाहाट गांव में कौन सी नदी प्रवेश करती है, पार्वती नदी प्रवेश करती है। उसके बाद में ये जो नदी है जो मध्य प्रदेश और कोटा जिले की क्या करती है, सीमा बनाती है। एक बात बताइए, इसमें ये जो नदी है मध्य प्रदेश और कोटा जिले की सीमा बनाती है। इस कारण से जो दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत इस नदी का काफ़ी महत्व माना गया है, और ये नदी आगे जाकर के कहाँ, जो सवाई माधोपुर जिले के नज़दीक पालिया गांव में आकर, और किसमें, चंबल में मिल जाती है। आगे बताया गया कि जो ये नदी सवाई माधोपुर में प्रवेश कर, और उसमें कौन सा स्थान बताया, पालिया गांव, इम्पोर्टेंट है ये पालिया गांव, और पालिया गांव में कौन सी नदी में, चंबल नदी में क्या हो जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। इस कारण से पार्वती जो नदी है
वो भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। आगे तो ये आपको बताया, ये चार पांच ऐसी नदियां हैं जो अपने जल को कहाँ डालती हैं? बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। और राजस्थान का जो कोटा संभाग है वो नदियों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आज आपको ये चार नदी यानी दो नदियां बताई, जिसमें एक काली सिंधी के बारे में और दूसरा पार्वती नदी के बारे में। इसके साथ में यानी ये कौन कौन सी नदियां थी? काली सिंधी और पार्वती। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है वो आपको कल करवाया जाएगा।